हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग संस्कृत साहित्य से कालिदास की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। कालिदास की रचनाएं, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको इसको मैं सूत्र के साथ पढ़ाऊँगी, ये बताऊँगी मैं, ताकि आप लोगों को इतना कम से कम याद हो जाए, ठीक है। ये मतलब महत्वपूर्ण भी है। तो अब इसमें देखिए, जैसे इसमें है कालिदास की रचनाएँ, ठीक है, कालिदास की रचनाएँ। अब प्राप्त व प्रमुख रचनाएँ कितनी हैं, सात ही हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा साथ है, अब देखिए इसमें नाटक इनके कौन कौन से हैं। तो नाटक इनके आपको तीन दिखेंगे, तो एक का है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह सात अंकों में है। विक्रमो वर्षीयम, यह आप पाँच अंक में है। मालविकाग्नि मित्रम, पाँच अंक में है। काव्य ग्रंथ में तो रघुवंश महाकाव्य 19 स्वर का है। कुमार संभवम जो है वो 17 स्वर का है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें, जैसे ना एग्ज़ाम में पूछता भी है कि अंक भी पूछ सकता है, जैसे नाटक का, ठीक है, कि किसमें कितने कितने अंक हैं। और यहाँ पर काव्य ग्रंथ में ये पूछ देगा स्वर्ग किसमें किसमें है, ठीक है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, ये सभी और कितने हैं यही पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए गीत काव्य जो है, यहाँ पर गीत काव्य इनका ये दो है, इनका एक तो है इनका मेघदूतम, ठीक है, और ऋतु संहारम। तो मेघदूतम में इनके आपके दो खंड आ जाते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और ऋतु संहारम में छह स्वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो आपने समझ लिया, इतना तो आपने समझ लिया कि नाटक में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम सात अंकों में है, विक्रमोवर्षीयम पाँच अंक में है, मालविकाग्नि मित्रम भी पाँच अंक में है, और काव्य ग्रंथ महाकाव्य रघुवंशम 19 स्वर्ग है इसमें, कुमार संभवम में 17 स्वर्ग है, मेघदूतम में यहाँ पर म भी लिख सकते हैं, मेघदूतम, ठीक है ना, यहाँ पर म मेघदूतम, ठीक है ना, मेघदूतम, ठीक है। तो इसमें पूर्व मेघ उत्तर मेघ, अब इसमें ऋतु संहार और ऋतु संहारम छह स्वर्ग में है, ठीक है। अब ये जो है अब इसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी बात ही वही है। तो इसका देखिए एक इसका ट्रिक देखिए, नाटक का आप लिख सकते हैं अविमाल, ठीक है, अविमाल। तो अ से क्या हो जाएगा आपका, अ से क्या होगा आपका, अ से हो जाएगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना, अ से क्या हो गया अभिज्ञान शकुंतलम। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वी से, ठीक है, वी से, तो वी से आपका हो जाएगा विक्रमो वर्षीयम, पांच अंक में है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका आ जाएगा, ये आप देखेंगे, ये आपका आ जाएगा माल, ठीक, माल, तो माल आपका आ जाएगा माल विकाग्नि मित्रम, ठीक है, तो अविमाल, ठीक है ना, अविमाल। तो इस तरह से अब, लेकिन अब इसके आगे अविमाल 755, ठीक है, तो 755 आप समझ ही सकते हैं कि अ, ठीक है, अ का हो गया सात, ठीक, वी का हो गया आपका पाँच, ठीक है, और माल का भी आपका हो गया पाँच, तो यानी कि आपका हो गया 755, ठीक है, 755। तो इस तरह से नाटक का आप याद कर सकते हैं कालिदास का, कि अविमाल 755, तो आपको नाटक का साथ साथ अंक भी आपको एक साथ याद हो गया। अब इसमें देखिए, इसका तो रघुवंशम कुमार संभवम ये, और आगे यहाँ भी है मेघदूतम पूर्व मेघ उत्तर मेघ, ठीक है, तो ये सब तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रघुवंशम कुमार संभवम। अब इसको याद कैसे करेंगे कि रघुवंशम और कुमार संभवम, तो देख कुमार लोग छोटे होते हैं ना, कुमार जैसे मान लीजिए जैसे कोई छोटा भाई है तो कुमार बोलेंगे, और रघु कौन था, रघुवंशम में कौन थे भाई, रामचंद्र जी की बात हो, राम बहुत बड़े थे ना रघुवंश के, रामचंद्र जी बड़े थे, तो यानी कि जो बड़ा था उसमें ज़्यादा स्वर्ग होगा और जो छोटा था उसमें कम स्वर्ग होगा, तो यानी कि रघुवंशम में 19 स्वर्ग है और कुमार संभव में 17 स्वर्ग है, ठीक है। अब मेघदूत का कैसे आप याद करेंगे, तो मेघदूत में इसका दो खंड है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, तो भाई बादल मेघदूत, मेघ मतलब बादल कहीं से आ रहा है, और एक पूरब में जा रहा है और एक उत्तर में जा रहा है, तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ, ठीक है। ऋतु संहारम छह स्वर्ग, तो मान कल्पना कर लीजिए ना कि ऋतु हमारी छह प्रकार की होती है, छह प्रकार की ऋतु संहारम छह स्वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट देखिए कि संस्कृत, अच्छा ये देखिए, ये सात मतलब ये क्या कहा गया है, इसके अलावा भी उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, ठीक है ना, कालिदास की अन्य रचनाएं भी हैं, लेकिन ये सात क्या कह रहा है, प्रमुख व प्राप्त, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। आप लोग कहेंगे कि दीदी और भी है, हाँ बिल्कुल होगी और अन्य रचनाएं, लेकिन ये प्राप्त और प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत की लघुत्रयी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लघुत्रयी और वृहत्त्रयी पूछता है, संस्कृत में लघुत्रयी किसको कहा गया है, वृहत्त्रयी किसको कहा गया है, तो लघुत्रयी में ये तीन आते हैं आपके, ठीक है, ये तीन आते हैं,
तो कौन कौन से हैं इसमें? तो आपका यही है, एक कुमार संभवम है, एक मेघदूतम है और एक रघुवंशम है। ये आपकी लघु त्रय में आते हैं। तो कुमार संभवम अभी हम लोग पढ़े थे कि छोटे हैं, कुमार मतलब छोटा समझ लीजिए, कल्पना कर लीजिए, 17, ठीक है। इसमें मेघदूतम में दो खंड हैं, अभी हम लोग पढ़े थे ना, पूर्व मेघदूतम एक, और रघुवंशम में क्या है, ज़्यादा है ना, कुमार संभवम रघु मतलब बड़े, रघुवंश के बड़े, रघुवंश में राम जी हैं तो बड़े हैं भाई, रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं, तो 1900, ठीक है। तो इस तरह से तो कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम, इसको उल्टा सीधा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए मैंने ऐसे लिखा था। और यहाँ पर सूत्र देखिए इसका क्या होगा कि कुमेर है ना, कुमेर, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कुमेर, कुमेर जो है ये आपका क्या है, ये आपका लघु त्रयी है, ठीक है, ये याद कर लीजिए, कुमेर आपका लघु त्रयी है। कुमेर, कु से कुमार संभवम, मे से मेघदूतम और र से रघुवंशम, ठीक है। अब देखिए आगे संस्कृत के वृहत्त, इसको भी हम ऐसे ही ट्रिक से याद करेंगे। तो ये भी तीन तरह का है, एक तो किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषत चरितम है। अब इसका किरातार्जुनी याद करने के लिए देखिए 18, किरातार्जुनीयम कितने 18 है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है और नैषत चरितम में 22 सर्ग है, ठीक है। तो किरातार्जुनीयम के 18 सर्ग के कौन है, भारवी हैं, और शिशुपाल वधम के कौन है, माघ हैं, और नैषत चरितम में कौन है, हर्ष हैं, ठीक। अब देखिए याद कैसे करेंगे भाई, पहला अक्षर पकड़ लीजिए, किशिन है यहाँ पर है ना, किशिन है, तो किशिन है, किशिन है, ठीक। अब 18, 20, 22 आपको याद नहीं हो जाएगा, 18, 2, 20, 2, 22, ठीक, 18 + 2 जोड़ दीजिए, 2 मत लिखिएगा नहीं तो आपको याद फिर कन्फ्यूजन होगा, 18, 20 और 22, ठीक। तो आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना, कालिदास की रचनाएं 7 हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा, नाटक काव्य ग्रंथ गीत काव्य, इसका संस्कृत की लघु त्रयी का, इसका आपको ये जो ट्रिक है ये भी समझ में आया होगा। और उसके बाद जो है संस्कृत के वृहत्त, ये भी आपको किसी ने समझ में आया होगा। आगे देखिए थोड़ा सा कालिदास की अन्य रचनाएँ भी कुछ मिलती हैं, तो काली स्रोत है, गंगाष्टक है, ज्योतिर्विदा भरण है, राक्षस काव्य, ऋतुबोध है, और भी आपको मिल सकती है, ठीक है ना, अगर आपके उसमें देखिएगा। और भी इसके अलावा आप क्या करेंगे कालिदास को पढ़ने के लिए, इसमें और भी है ना, ये तो बस रचनाओं का था थोड़ा सा, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये सारी चीज़ें, यही सब मेन देखिए, यही पूछने का एक होता है इसमें, कालिदास की कुछ कहानी इनके विषय में जान लीजिए भाई, कालिदास कौन थे, क्या था इनका, कैसे इनकी मृत्यु हुई, कहाँ थे, ये सब जान लीजिए आप लोग, उसके बाद से इनकी ये रचनाएं याद कर लेंगे, उसके बाद से कि कौन कौन सी इनकी शैली कैसी थी, मतलब ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए इनके विषय में, और भी मतलब सारी रचनाओं में क्या है, किस में क्या, किसके बारे में है, किसके बारे में है, तो यही चीज़ें ना, यही ना पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा। तो थोड़ा सा देखिए घटना चक्र से भी मैं तैयार करती थी संस्कृत साहित्य, आप लोगों को मैंने बताया ही था, तो उसमें से आप लोग थोड़ा देखिएगा इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना। हालांकि जो चीज़ें मैंने आज बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन यही है, तो इसको अच्छे से ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, और ऐसे ही मुझे जैसे जैसे दिमाग में आएगा जो जो चीज़ें, तो मैं आपको ऐसे ही बताती चलूँगी। और आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा सा बहुत व्यस्तता है तो मैं कमेंट सबके पढ़ी हूँ लेकिन मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही रिस्पॉन्स करने का प्रयास करूँगी। थोड़ा सा कुछ है फंक्शन है मेरे घर में, आप लोगों को इसका भी मैं वीडियो दूँगी, है ना, अच्छी बात है कि एक सपना समझिए मेरा और पूरा हो रहा है, कुछ फंक्शन है मेरे घर में और सेलिब्रेशन है, फंक्शन क्या सेलिब्रेशन है थोड़ा सा, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और एक सपना था मेरा ये भी कि मैं ऐसा कर पाऊँ, काश ऐसा कोई दिन आए तो मैं ऐसा कर पाऊँ अपने बच्चे के लिए, तो वो हो रहा है, पूरा हुआ है, तो वहीं से आज मैं आई हूँ और थोड़ा सा टाइम मतलब ज़्यादा हो गया है, तो मैंने सोचा कि छोटा सा आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।